ठीक है पोनीज, ध्यान से सुनो। हाँ हम सुन रहे हैं, है ना बल्क बाइसेप्स? मैं पूरा जोर लगा के सुन रहा हूँ। मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद आया बल्क बाइसेप्स, पर इक्वेस्ट्रिया गेम्स तक पहुँचने के लिए हमें मसल्स और येस के अलावा भी कुछ चाहिए। हम एडियल रिले टीम है और ये हम तीनों की जिम्मेदारी है कि हम ट्रायआउट्स में क्वालिफाई करें। और क्या मुझे याद दिलाने की जरूरत है कि मैं, मेरा मतलब पोनीवेल, कितना चाहता है कि तुम क्वालिफाई हो जाओ? मुझे याद है, मैं सच में क्वालिफाई होना चाहती हूँ तुम्हारे और पोनीवेल के लिए। मैं तैयार हूँ। मुझे दो एक पी फॉर पोनीवेल। ये बहुत ही डरावनी, मतलब अच्छी चीज थी। बस उस वक्त के लिए भी तैयार रहना जब हम एरियल रिले में क्वालिफाई करेंगे, और उसके बाद जब हम इक्वेस्ट्रिया गेम्स में गोल्ड मेडल जीते तब। इतनी जल्दी नहीं, अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी मेरे एप्पल ब्राउन बेटे की। ये बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है टीम, मुझे अपना कमाल दिखाओ। अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ो, पंखों को हिलाओ और तीन गिनने पर तुम्हारे चारों पैर हवा में होने चाहिए। एक दो तीन। और जब हवा में हो तो सांस लेना मत भूलना। दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी, शेयरिंग काइंडनेस है इजी, और मैजिक से ही जिंदगी मेरी दोस्ती ये दोस्ती है पक्की। गुड लक रेनबो डैश। माफ करना, हम तुम्हारे साथ एरियल रिले में उड़ नहीं पाएंगे, पर एयर स्प्रिंटर्स को भी हमारी जरूरत है। काश हम एक से ज्यादा खेल में हिस्सा ले पाते, पर रूल्स तो रूल्स होते हैं। गुड लक, तुमने बहुत अच्छा किया ऐसी टीम का हिस्सा बनकर जिसमें सबसे अच्छे फ्लायर्स नहीं है। इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, मैं जानती हूँ मैं किसी भी पोनी की कमी पूरी कर सकती हूँ। अगर मैं रहूंगी तो टीम क्वालिफाई करेगी, मुझे यकीन है। पोनीवेल खुशकिस्मत है कि उसके पास तुम हो। हाँ, मैं बहुत औसम हूँ। मैं पोनीवेल की तरफ से हिस्सा लेकर बहुत खुश हूँ। गेम्स के लिए ट्रायआउट्स में होना सम्मान की बात है। उम्मीद है मैं किसी को भी निराश नहीं करूंगी। हम पर सबको नाज होगा। प्लीज गॉड प्राउड, हम जितने अच्छे फैंस आज तक किसी ने नहीं देखे होंगे। मैं देखना चाहती हूँ कि बाकी पोनीज ने क्या पहना होगा। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि उनकी यूनिफॉर्म्स इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी मेरी क्विस्टर गेम्स की डिजाइन है। और हम गेम्स तक जरूर पहुँचेंगे जैसे ही सारे पोनीज में एप्पल ब्राउन बेटीज खाकर ताकत आ जाए। मैं इंतजार नहीं कर पा रही। वो तो रेनबो डैश है, वो एक मशहूर फ्लायर है। मैंने सुना है कि वो रिले के तीसरे हिस्से में उड़ेगी, इसका मतलब है हमें उसे हराने के लिए बहुत आगे होना होगा। हो, वंडरबोल्ट्स आ गए। मैंने सुना है कि वो क्लाउड्स डेल की तरफ से हिस्सा ले रही है, फिर तो क्लाउड्स डेल पक्का क्वालिफाई करेगा, वो दुनिया के मशहूर फ्लायर्स है। और खेल शुरू होता है। अच्छा लगा देखकर कि कोई हमसे मुकाबला करने लायक है। बस 2 दिन की प्रैक्टिस, फिर हम तुमसे हवा में मिलेंगे रेनबो डैश।
अगर तुम्हारी किस्मत रही तो। वंडर बॉल्स जीतने वालों को देखते ही पहचान लेते हैं, और हम तभी जीतेंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे, क्यों है ना टीम? हुर्रे! और मैं उसके साथ हूँ। हुर्रे! Give us some clouds. Give us some tail. And what do you get? Clouds tail. मुझे वैसे पॉम्पॉम्स कहाँ मिल सकती हैं? तो क्या मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि हमारा गोल क्या है? हो सकता है। क्वालिफाई होने के लिए हमें फिनिश लाइन क्रॉस करने वाली पहली चार टीम्स में से एक होना होगा। बल्क बाइसेप्स, तुम हमारे पहले फ्लायर हो, तो चलो अपना कमाल दिखाओ। ये क्या? माफ करना, ये आइडिया उन्हें देख कर आया, पर हूव्स नीचे के ऊपर। लगता है उनका निशाना बेहतर है। ठीक है, बेटन को पास करने का काम अच्छे से होना चाहिए। तुम्हारे पंखों की गति बिल्कुल सही होनी चाहिए, और चाहे जो भी हो जाए, बेटन गिरने मत देना। क्या तुम सच में तैयार हो? मैं उसे तब तक नहीं लेना चाहती जब तक तुम तैयार ना हो। तैयार। पोनीवेल इसे कहीं बेहतर कर सकता है, मैं अभी इसे पेंट करवा कर लाती हूँ। वो हमारे काम आ रही थी। और बाकी पोनीज के पास भी तो एक जैसे कलर वाले हॉर्स शूज नहीं है? शायद कुछ पोनीज के पास है। कुछ पोनीज के पास क्या है? यहाँ क्वालिफाई करके इक्वेस्ट्रिया गेम्स में जाने का एक सुनहरा मौका। देखो और सीखो, क्लाउड्सडेल में वंडर बॉल्स हैं, और वंडर बॉल्स सबसे अच्छे फ्लायर्स हैं, और मेरे पर्सनल हीरोज भी, तो शायद तुम उनसे कुछ सीख सको। प्लीज कुछ सीख लो। कम ऑन सोरेन, स्पीड बढ़ाओ, तुम इससे बेहतर कर सकते हो। हाँ, उम्मीद तो यही है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस ये प्रैक्टिस। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। बिल्कुल किसी वंडर बोल्ट की तरह है। ओह रेनबो डैश, मुझे तुम पर नाज है। तुमने सोरेन को आसमान में उठाया और फिर उसे जमीन पर ले आई, और अब वो सलामत है। कम से कम उम्मीद है वो ठीक होगा। क्या तुम ठीक हो? मेरे पंख में दर्द है, पर मुझे यकीन है कि कंपटीशन से पहले ये ठीक हो जाएगा। तुम तो बेस्ट हो रेनबो डैश। ये तो कुछ भी नहीं था, पर अगर तुम मेरी तारीफ करना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। टी का मतलब है रेनबो डैश। दरअसल रेनबो डैश का नाम आर से शुरू होता है। कोई बात नहीं, बुरा हुआ कि ट्रायआउट से पहले ही वो घायल हो गया। पता है तुम क्लाउड्स डेल में बड़ी हुई हो, तो इसका मतलब है कि तुम हमारे साथ उड़ सकते हो। तुम्हारे साथ? हमारा मतलब प्रैक्टिस। सोरेन के ठीक होने तक हमारे साथ प्रैक्टिस कर लो। क्या कहती हो, हमारी तीसरी साथी बनना चाहोगी? मैं नहीं जानती, मेरी टीम को क्वालिफाई होने के लिए मेरी बहुत जरूरत है। मैं नहीं चाहती कि रेस के वक्त मैं कुछ ज्यादा ही थक जाऊं। हमने वंडर बॉल्स एकेडमी में तुमसे कई मुश्किल एक्सरसाइजेस करवाई थी, और तुमने वो बड़ी आसानी से कर ली थी। हाँ, एकेडमी में मैंने बहुत अच्छा काम किया था, पर अगर मैंने तुम्हारे साथ प्रैक्टिस की तो मेरे साथियों को बुरा लग सकता है। उन्हें बताने की जरूरत क्या है? जरा सोचो रेनबो डैश, तुम्हारे पास विनर्स के साथ उड़ने का मौका है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। सही फैसला है रेनबो डैश।
और मैं हॉर्स लेने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम चाहो तो। तुम दोनों प्रैक्टिस जारी रखो, मैं बस अभी पानी पीकर आती हूँ। ज़्यादा है। दो दो टीम्स के साथ एक साथ प्रैक्टिस करना आसान नहीं है। तुम्हें पता है? क्या किसी और को पता है? नहीं, वो प्रैक्टिस में इतने बिजी हैं कि उन्होंने तुम्हारे गायब होने पर ध्यान नहीं दिया। वेल, मैंने दूसरी टीम्स को प्रैक्टिस करते हुए देखा है और हम क्वालिफाई कर जाएंगे। मैं फासला तय करने के लिए रफ्तार से उड़ सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी टीम्स में से किसी एक को दूसरी टीम से ज्यादा मदद की जरूरत है। पर विनर्स के साथ काम करने में बहुत मजा आता है बजाय नॉन विनर्स के साथ। इसके अलावा पोनीवेल फिर भी क्वालिफाई कर जाएगा। रेनबो डैश, एक मिनट के लिए यहाँ होगी? हाँ, तुम हमारी टीम में बहुत काम आ सकती हो, तो हम चाहते हैं तुम क्लाउडस्टेल टीम ज्वाइन कर लो हमेशा के लिए। लगता है कि सोरिन का बंक ट्रायल्स के लिए वक्त पर ठीक नहीं होने वाला। हम चाहते हैं कि तुम उसकी जगह लो। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब है कि तुम पोनीविल के लिए नहीं उड़ पाओगी। और ये बात भी मान लो, तुम्हारी उनकी टीम में होने के बावजूद उनके क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत कम है। तो क्या फैसला किया तुमने? वो मैं तुम सोच कर बातें बता सकती हो? वो मुझे अपनी टीम में लेना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल एक सपने जैसा है। अगर तुम क्लाउडस्टेल की टीम में होगी तो पिंकी पाई के पास चीयर करने के लिए कोई नहीं होगा। रारिटी की यूनिफॉर्म्स कभी सामने नहीं आएंगी और एप्पल जैक ने एप्पल ब्राउन बैटीज बनाने में जो मेहनत की है वो बेकार हो जाएगी। ओह, मैं सच में बेस्ट टीम के साथ उड़ना चाहती हूँ। तुम होती तो क्या करती? मेरे ख्याल से फैसला तुम्हें अकेले ही लेना है। रेस कल शुरू होगी तो जल्दी करना रेनबो डैश। चारों पैरों में? मैं डगमगा गई इस पैर पर और फिर गिर गई इस छोटी वाले स्टिक पर। अगर मुझे वो मिल जाए तो मैं उसको भरता बना दूंगी। अब मैं नहीं उड़ पाऊंगी, मुझे माफ कर देना। क्या तुम ट्रायआउट्स तक ठीक हो जाओगी? अगर खुशकिस्मत हुई तो शायद दोबारा उड़ पाऊंगी। मुझे बस थोड़े आराम की जरूरत है। चिंता मत करो रेनबो डैश, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। या शायद कोई और पोनी, जैसे कि मेडिक या एक डॉक्टर या एक नर्स। तो डॉक्टर को ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे अंदर क्या खराबी है? सब कुछ, मेरे अंदर सब कुछ खराब है। ये तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर देंगे। थैंक यू, मैं खुद ही कभी नहीं कर पाती। एक छोटे से मेडिकल पिजाज से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सिल्क स्लिंग्स और एक ग्लिटर बैंडेज, शायद इससे मदद मिले। हमारी पेशेंट कैसी है?
हालत बहुत खराब है। हम तुम्हें बताना चाहते थे कि हमें बुरा लग रहा है कि तुम्हें चोट लगी, पर तुम ट्रायआउट्स के बारे में चिंता मत करना, हम ठीक है, हमारे पास रिप्लेसमेंट है। हमें बहुत बहुत बुरा लग रहा है कि तुम मुकाबले में हिस्सा नहीं ले पाओगी। हम वादा करते हैं अगर हम क्वालिफाई कर गए और इक्वेस्ट्रिया गेम्स में पहुंचकर गोल्ड मेडल्स जीत गए तो तुम हमारे मेडल्स रख सकती हो, क्योंकि हम जानते हैं ये मेडल्स तुम्हारे लिए कितने मायने रखते हैं। थैंक्स। मेरे ख्याल से रेनबो डैश को अब आराम करने देना चाहिए, हम जल्दी वापस आएंगे। पता है, किसी को भी ना चुनने का फैसला भी एक फैसला ही होता है। तुम्हारे दोस्त तो बहुत अच्छे हैं, पर मुझसे मिलने यहाँ कोई नहीं आया, शायद सभी प्रैक्टिस में बिजी होंगे ना। उम्मीद करती हूँ तुम्हारे पंख भी जल्दी ठीक हो जाए। ओह, ये बिल्कुल ठीक है, मैं बस इसका ख्याल रख रहा हूँ, अगर मेरी टीम को वापस मेरी जरूरत पड़े तो। इससे क्या मतलब हुआ तुम्हारा? स्पिटफायर और फ्लीटफुट ने तो कहा कि तुम अब उड़ ही नहीं पाओगे, और उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें डर है कि मैं ट्रायआउट्स में पूरा दम नहीं लगा पाऊंगा, तो वो कोई और पोनी को टीम में ले रहे हैं। वो कोई और पोनी मैं थी जब तक मुझे ये चोट नहीं लग गई थी। लगता है हम दोनों की ही किस्मत खराब है। क्लाउड्सडेल तीन फ्लायर्स के बिना क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, और ना ही पोनीविल तुम्हारे बिना कर पाएगा। बहुत बुरा हुआ। रेनबो डैश की रिप्लेसमेंट के साथ मुझे नहीं लगता कि हम क्वालिफाई कर पाएंगे, बुरा मत मानना। अब मैं इन सब का क्या करूंगी? तुम पहले इन सब का क्या करने वाली थी? हाँ, शायद मेरी क्वेस्ट्रा गेम्स यूनिफॉर्म अगले साल भी फैशन में रहेंगी, मेरा मतलब मैं बहुत फैशन फॉरवर्ड हूँ ना। क्या वो रेनबो डैश है, चलती फिरती? क्या तुम बेहतर महसूस कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि मुझे चोट लगी ही नहीं थी। ये देखो, मैंने चोट लगने का नाटक किया ताकि मुझे पोनीविल और क्लाउड्सविल में किसी एक को ना चुनना पड़े। मैं दोनों के साथ उड़ना चाहती थी, पर यह फैसला कर पाना मुश्किल था। रेनबो डैश, तुम्हें हमें चुनने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ तुम्हें जीतना बहुत पसंद है, तो तुम्हें जीतने वाली टीम में होना चाहिए। मैं जानती हूँ मुझे किसके साथ उड़ना चाहिए। अच्छी चॉइस है, हमेशा विनर्स के साथ रहो। पोनीविल, क्योंकि मैं सिर्फ वहाँ रहती नहीं हूँ, पर मेरे सारे दोस्त वहीं से हैं, जिन्हें सच में मेरी परवाह है, फिर मैं चाहे उनकी जीतने में मदद करूँ या नहीं। क्या तुम्हें यकीन है तुम्हारा फैसला सही है? तुमने मुझसे सोरेन के पंखों के बारे में झूठ कहा ताकि तुम्हें एक बेहतर फ्लायर मिले। तुम भले ही एक विनिंग टीम हो, लेकिन मैं तुम्हारी जैसी टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहती हूँ। हाँ, रेनबो डैश, तुम बहुत अच्छी हो, ये मैंने एकेडमी में भी देखा था और यहाँ पर भी देख रही हूँ। हम तुम जैसे खिलाड़ी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। शायद कुछ सीख भी चुके हैं। उड़ने के लिए तैयार? सच में? हमें झूठ बोलकर तुम्हारी जगह किसी और को नहीं देनी चाहिए थी। गो क्लाउड्सडेल! कम ऑन पोनीविल रिले टीम, हमें एक रेस में हिस्सा लेना है, चलो। कम ऑन पोनीविल, तुम कर सकते हो। बहुत खूब फ्लटरशाई! क्वालिफाई पोनीविल! क्वालिफाई पोनीविल! गो रेनबो डैश! ओह!
पॉनीवेल क्वालिफाई। इक्वेस्ट्रिया गेम्स, हम आ रहे हैं। ओह, मैं छुपा नहीं सकती, मुझे जीतना पसंद है, पर अगर दोबारा मुझे जीतने और अपने दोस्तों के बीच में एक को चुनना पड़े तो मैं हमेशा अपने दोस्तों को ही चुनूंगी, क्योंकि मुझे जीतने से जितना प्यार है उससे कहीं ज्यादा प्यार अपने दोस्तों से है।